दोस्त तो हर एक किसी के पास होता है, मगर एक अच्छा दोस्त किसी किसी के पास होता है जो हर एक मुश्किल परेशानी में तुम्हारे साथ खड़ा रहता है। जो अगला किस्सा है ना, ये उसी के ऊपर निर्धारित है। एक बार दो दोस्त रेगिस्तान में चलते जा रहे थे। एकाएक उनमें बातें करते करते आपस में मतभेद हुआ और वह मतभेद इतना आगे पहुंच गया कि उसमें से एक दोस्त ने घुमाकर अपने दोस्त के गाल पर एक चांटा जोर से लगा दिया। चांटा खाने पर भी वह दोस्त कुछ ना बोला। वह एक रेत के टीले पर गया, वहां पर अपनी उंगली से एक लाइन लिख दी, आज मेरा दिल बहुत उदास है क्योंकि मेरे दोस्त ने मुझे आज चांटा मारा है। अपनी जर्नी में आगे बढ़ते हुए उन्हें एक तालाब दिखता है। वह दोनों सोचते हैं कि यहाँ पर अपने आप को थोड़ा साफ कर लिया जाए और थोड़ा बहुत पानी पी लिया जाए, मगर एकाएक जिस लड़के ने अपने दोस्त को थप्पड़ मारा था उसका पैर फिसल जाता है और वह कीचड़ में फंस जाता है और अपने दोस्त को मदद के लिए गुहार लगाता है। और वह दोस्त बिना कुछ सोचे अपने दोस्त की जान बचाने के लिए खुद भी कीचड़ में छलांग मार देता है और अपने दोस्त को बचा लेता है। अपने दोस्त को बचाने के बाद वहां पर एक छोटी सी पहाड़ी के ऊपर वह एक चीज पत्थर से लिखता है कि आज मेरा दिल बहुत खुश है क्योंकि मैंने आज अपने दोस्त की जान बचाई। दूसरा दोस्त समझ नहीं पाता, यार जब मैंने इसे थप्पड़ मारा था तब इसने रेत पे लिखा था और आज जब इसने मुझे बचाया है तब इसने पत्थर के ऊपर कुछ लिखा है, ऐसा क्यों? तो वह उससे पूछता है तो उसका दोस्त जवाब देता है, जब पहले मुझे दुख हुआ तो मैंने उसे रेत पर लिखा और जब मुझे खुशी हुई तो मैंने उसे पत्थर पर लिखा। मैंने रेत पर इसलिए लिखा कि जब भी हवा चलेगी तो वह उस चीज को छुपा देगी, मगर अच्छी चीजें चाहे जितनी मर्जी हवा चले, जो पत्थर के ऊपर मैंने लिखा है ना वो कभी भी मिट नहीं पाएगी। और ऐसा असली जिंदगी में भी होना चाहिए। दोस्तों में मतभेद रहते हैं मगर इतने भी नहीं कि दोस्तियां टूट जाए। सो एंजॉय योर फ्रेंडशिप विद योर फ्रेंड्स एंड टेक केयर। स्वच्छ रहें, सुरक्षित रहें, अच्छा काम करते रहें। धन्यवाद।